स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान कुंभ में। सभी को मेरा आयुर प्रणाम। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक और नई स्वास्थ्य वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद ज्ञान कुंभ चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई स्वास्थ्य वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बढ़ाते हैं अगला कदम स्वास्थ्य की ओर। दोस्तों कोरोना वायरस दुनिया के देशों में फैल चुका है। चीन के अलावा अब दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी अब तक कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। शुरू में चीन के वुहान में सी फूड होलसेल मार्केट से लोगों में संक्रमण हुआ था। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब तक कोई कारगर दवा का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। क्या करें और क्या ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से बचने के कुछ खास बचाव के उपाय बताए हैं। 6 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले ज़्यादा सावधान रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए आइए जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुलाकात का परंपरागत तरीका बदलें। फ्रांस की सरकार ने संक्रमण से बचने के लिए लोगों से मुलाकात के परंपरागत तरीके, गाल पर चुम्बन और हाथ मिलाने में बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा कि मुलाकात के दौरान किसी भी शारीरिक क्रिया से परहेज किया जा रहा है। हाल ही में जर्मनी के मंत्री होरट जीहोफर के द्वारा एंजेला मार्केल से हाथ मिलाने से परहेज करने वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। व्यक्तिगत सफाई पर दें ध्यान। सफाई के लिए अपने हाथों को लगातार धोते रहें। हाथ गंदे नहीं होने पर भी धोएं। धोने के बाद हो सके तो टिश्यू का उपयोग करें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखें। 5 बार धोएं हाथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से निपटने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके लिए हाथों की सफाई को प्रमुखता दी गई है और दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोने का सुझाव दिया है। WHO ने हाथ को कब और कैसे धोना है इसका तरीका भी बताया है। कब हाथ धोएं? छींकने और खांसने के बाद, बीमार व्यक्ति से मुलाकात के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने और खाना खाने के बाद, पशुओं को छूने के बाद। कुछ आवश्यक बातें ध्यान रखें। खांसी या छींकने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें या कोहनी से ढकें। अत्यधिक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आपके बिल्कुल पास में खांसता या छींकता है तो कुछ सेकंड तक टुकड़ों में सांस लें। छींकने और खांसने वालों से रखें दूरी। इस बात पर ध्यान देना है कि जो लोग छींक रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। दरअसल सर्दी जुकाम से मिलते लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। ऐसे में जब कोई आपके आसपास छींक रहा हो तो उससे दूर हट जाएं और अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें। चेहरे को छूने से करें परहेज। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी एलेस्टियर माइल्स की माने तो लोगों को बार बार अपने चेहरों को छूने से बचना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि अपने चेहरे, नाक और आँखों को ना छूएं। वो कहते हैं कि यदि आपके हाथ किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित भी हैं तो आप ऐसा करके शरीर के अंदर पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। मुँह पर रखें मास्क। यह बहुत आम सुरक्षा है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोगों को मुंह पर मास्क लगाने से बचते हैं और उन्हें परेशानी महसूस होती है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे पहनना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपने घर से बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हों, डॉक्टरों के अनुसार इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए N95 मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। लिफ्ट में बटन दबाने के लिए करें पैन का प्रयोग। सिंगापुर के मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर वोंग लिंग फा के मुताबिक इस वातावरण में लिफ्ट सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसी बंद लिफ्ट की हवा में कई लोग सांस लेते हैं और बटन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्होंने लिफ्ट के बटन दबाने के लिए पेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने शौचालय का इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतने को कहा है। दरवाजे के हत्थे को संभल कर छुएं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीव्स वर्ल्ड के प्रोफेसर गुंटर काम्फ का कहना है कि ठोस धरातल के बार बार इस्तेमाल से कोरोना वायरस सबसे तेज़ी से फैलता है।
इस स्थिति में किसी धरातल को कोई संक्रमित व्यक्ति इस्तेमाल करता है और उसी को दोबारा कोई स्वस्थ व्यक्ति छूता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। उन्होंने कहा कि दरवाजे के हत्थे समेत ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसी तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनसे परहेज करना चाहिए या इस्तेमाल के समय सावधानी बरतनी चाहिए। कमरे का तापमान ज़्यादा रखें। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखें। इससे वायरस के संक्रमण होने की कम संभावना होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि गर्मी में कोरोना वायरस का प्रकोप अपने आप कम हो जाएगा। ताज़ी हवा के लिए खिड़कियाँ खोल कर रखें। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखकर ताज़ी हवा में सांस लें तो कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है। सिंगापुर में मुख्य स्वास्थ्य वैज्ञानिक चौर्थ चौहान के अनुसार ताज़ी हवा में कोरोना वायरस फैल नहीं पाते हैं। कोशिश करें कि आपके बेडरूम और गेस्ट रूम की दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहें। अंडे और मांस से रखें दूरी। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है तो कोशिश करें कि अंडे और मांस से दूरी रखें। ऐसा करने से आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मोबाइल फ़ोन को नियमित साफ करें। मोबाइल के जरिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या ना करें। यदि आपको खांसी और बुखार आ रहा हो तो लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनी आँख, मुँह और नाक को बार बार ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें। खेतों की ओर जाने, जीवित पशुओं के बाजार में जाने से बचें। जीवित पशुओं के संपर्क में आने और अधपके मांस को खाने से बचें। जीवित पशुओं के संपर्क में आने से बचें। जहां जानवर का वध किया जाता हो वहां जाने से बचें। ये लक्षण दिख रहे हों तो तुरंत सावधान हो जाएं। बुखार, खांसी और जुखाम हो तो यात्रा ना करें। अचानक तेज़ बुखार, जुखाम और खांसी हो, शरीर में तेज़ दर्द के साथ कमजोरी हो, लीवर और किडनी में कोई परेशानी हो, सांस में तकलीफ हो, निमोनिया के लक्षण दिखें या पाचन क्रिया में अचानक तकलीफ हो, ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए आयुर्वेद ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट करें व जिसे इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।